स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा जैसा कि सिमेट्री प्लेन कार मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल एट्सेट्रा पहले हम ये देखते हैं कि वट आर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके सिमेट्रिकल कहलाता है जबकि वो जिसे दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहलाता है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल में आते हैं एक सर्कल स्क्वायर हेड ह्यूमन बॉडी इट इज एक्सटर्नली सिमेट्रिकल ओनली क्योंकि इंटरनली इसमें आर्गन्स की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से सिमेट्री नहीं होती हैंड फुट शू एयर एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को हम एक कायरल भी कहते हैं जबकि अनसिमेट्रिकल को हम कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स हम डायग्राम्स की हेल्प से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस समझते हैं एक सर्कल को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है इसी तरह से स्क्वायर को भी इस हेड को भी दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है और ह्यूमन बॉडी को भी एक्सटर्नली आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एक हैंड को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता देअर फोर इट इज अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सिमिलरली अ फुट कांट भी डिवाइडेड इन टू आइडेंटिकल हाफ्स इंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता और शू को भी देर फोर दीज फोर आर द एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स उसके बाद हम ये देखते हैं कि वट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन में बेटा दो एक्सेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्रीन के प्लेन की बात करें तो एक ये एक्सेस जिसको आप एक्स कह सकती हैं और एक वाई एक्सेस ये दोनों मिलकर एक प्लेन बनाते हैं इसके मुकाबले में एक एक्सेस का डिफरेंस आप समझ ही सकते हैं हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक डिफरेंस है हमने यहां पर एक लाइन को यूज करते हुए इन ऑब्जेक्ट्स को इक्वल हाउस में डिवाइड किया है एक्सेप्ट फॉर द हेड। हेड में हमने दो एक्सेस को यूज किया देयरफॉर वी आर यूजिंग अ प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री वो प्लेन होता है जिसके अलोंग एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है आप बेटा ये देखिए कि दिस इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर द हेड लेकिन अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो हमारे पास आइडेंटिकल हाफ्स नहीं आएंगे ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर एंड सर्कल जिनके लिए हमारे पास एक से ज़्यादा प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल भी हो सकते हैं या नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पे अगर हम इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं जैसे कि इनके मिरर इमेजेस। हम इनको अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो एक पार्ट दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेगा और हम ये कहेंगे कि दे आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आप इसको कंपेयर कीजिए हैंड्स के साथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है अगर आप इस हाथ को उठाकर इस हाथ पे रखें तो थंब के नीचे ये फिंगर आ जाएगी और ये लास्ट फिंगर के नीचे इस हाथ का थंब आ जाएगा इट मीन्स दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आप दोनों हाथों को जिस तरीके से भी एक दूसरे के ऊपर रखें दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल देर फोर वी सी ऑब्जेक्ट्स हमने ये देखा कि कायरल ऑब्जेक्ट्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता नाउ वट इज कायरल कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम इज द कार्बन एटम विच इज अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स इसे हम ए सीमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं इसमें देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि इसको किसी भी तरीके से हाफ में डिवाइड करें आपके पास आइडेंटिकल हाफ्स नहीं आएंगे सेम इज द केस विद दिस कार्बन एटम विच इज अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड ए सीमेट्रिक कार्बन नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑर्डिनरी लाइट में वेव्स हर प्लेन में वाइब्रेट करती हैं जब इसे निकल प्रिज्म या पोलराइड लेंस से पास कराया जाता है तो ये सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। इस तरह की लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट या सिंपली पोलराइज लाइट निकल प्रिज्म कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में ये एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा सकती हैं इस तरह के कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम पोलरी कहते हैं पोलेरी में जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की नॉन कंसेंट्रेशन को रखा जाता है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट की बीम को रोटेट करा देते हैं इस रोटेशन को हम एक एंगल अल्फा से मैयर करते हैं अब जिस डायरेक्शन में रोटेशन होती है वो चूंकि दो साइड पे हो सकती है इस बेस पर हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स आते हैं रोटेशन राइट साइड पे या क्लाकवाइज भी हो सकती है और लेफ्ट या एंटी क्लाकवाइज भी हो सकती है जो दो तरह के आइसोमर्स हमारे पास आते हैं उनमें से एक वो है जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे रोटेट कराते हैं एंड दे आर कॉल्ड डेक्सट्रो रोटेटरी इन्हें हम इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव साइन से जबकि दूसरे वो हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कराते हैं दे आर कॉल्ड लिवो रोटेटरी जिनको हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं डायग्राम में एक सिंपल पोलरीमीटर दिखाया गया है लाइट सोर्स से निकलने वाली ऑर्डिनरी लाइट में वेव्स हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं निकल प्रिज्म से एंटर होने के बाद लाइट वेव सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं इस तरह की लाइट को हम प्लेन पोलराइज या पोलराइज लाइट कहते हैं जब ये लाइट सैंपल सोल्यूशन में एंटर होती है तो ऑप्टिकली एक्टिव होने की सूरत में यह सब्सटेंस लाइट को राइट या लेफ्ट साइड पर रोटेट करा देता है वो एंगल जो कि जिसके थ्रू ये रोटेशन होती है दैट इज कॉल्ड अल्फा। इस तरह से हम ना सिर्फ ये के ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू हर कंपाउंड के हिसाब से डिफरेंट होती है अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये आइसोमेरिज्म प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन के डायरेक्शन के डिफरेंस से अराइज होता है वो आइसोमर जो कि लाइट को राइट right डायरेक्शन में रोटेट कराता है डेक्सटो रोटेटरी या पॉजिटिव आइसोमर कहलाता है जबकि वो जो कि इसे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराता है लिवो रोटेटरी या नेगेटिव आइसोमर कहलाता है हम लैक्टिक एसिड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करती हैं लैक्टिक एसिड को टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी कहा जाता है इसमें एक काइरल कार्बन मौजूद है जो कि अटैच्ड है फोर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हमारे पास लेक्टिक एसिड का टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि इसकी ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बताता अगर हम टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को शो करना चाहें तो हम बॉन्ड्स को डिफरेंट लाइन से शो करते हैं फॉर एग्जांपल, ये दोनों बॉन्ड्स स्क्रीन के प्लेन के ऊपर हैं इसलिए इनको हमने सॉलिड लाइन से शो किया ये वाला बॉन्ड स्क्रीन के प्लेन की अंदर की साइड पे जा रहा है इसलिए हमने इसको ब्रोकन लाइन से शो किया और ये वाला बॉन्ड स्क्रीन के प्लेन से बाहर आ रहा है इसलिए हमने इसको वेज शेप से शो किया लैक्टिक एसिड के लिए दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर नहीं है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल नहीं है इस तरह के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहलाते हैं इनशमर्स और ये प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं मिसाल के तौर पर डेक्सटोरोटेटरी लेक्टिक एसिड और पॉजिटिव एसिड इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा कि वो बॉन्ड जो के करीब हैं करीब बनेंगे हाइड्रोजनिस साइड पे हाइड्रॉक्सिल इस साइड पे और इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी दिस इज लीवो रोटेटरी एक चीज बेटा याद रखिएगा कि ये राइट पे जितने डिग्रीज प्लेन लाइट को रोटेट कराता है ये लेफ्ट साइड पे उतनी ही डिग्रीज प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराता है थ्री डायमेंशन में इनके स्ट्रक्चर्स इस तरह से बन जाएंगे विच आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर आर नॉन सुपर आप इसे उठा के इस पे रखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप के नीचे हाइड्रोजन एटम आ जाएगा लैक्टिक एसिड हमारे पास तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव लैक्टिक एसिड या डेक्सटो रोटेट्री जो कि लाइट को राइट right साइड पे रोटेट कराता है नेगेटिव लैक्टिक एसिड आर लिवो रोटेट्री एसिड जो कि लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट कराता है और थर्ड उसकी फॉर्म है वो जिसमें इन दोनों एसिड की इक्वल अमाउंट्स मौजूद हैं इसे हम प्लस माइनस लेक्टिक एसिड या रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि पॉजिटिव एसिड राइट साइड पे जितना लाइट को रोटेट कराता है नेगेटिव उतना ही लेफ्ट साइड पे भी रोटेट करा देता है नतीजा ये निकलता है कि नेट रोटेशन जीरो हो जाती है उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टारिक एसिड को टाटारिक एसिड को टू थ्री डाइ हाइड्रोक्सी एसिड भी कहा जाता है इसमें दो कायरल कार्बन एटम्स हैं और इसकी चार फॉर्म्स हैं पॉजिटिव टाटारिक एसिड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट कराता है नेगेटिव टाटारिक एसिड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट कराता है रेसिमिक मिक्सचर जो कि इक्विमोलर मिक्सचर है पॉजिटिव और नेगेटिव टाटारिक एसिड का ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और फोर्थ फॉर्म है मीजो एसिड ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है अगर हम इसको हाफ करें तो वी विल बी गेटिंग आइडेंटिकल हाफ्स सो इट वॉज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट uh, तो था बट आई होप इट्स क्लियर now the summary of isomerism isomerism is the phenomenon in which the molecules with same molecular formula can have different structures it is further of two types that is structural isomerism and stereoisomerism. in structural isomerism the arrangement of atoms within molecule differs it is further of five types chain isomerism, in which the order in which carbon atoms are bonded to each other differs, position isomerism, in which the position of functional group differs, functional group isomerism, in which the type of functional group differs, metamerism, which arises because of unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group, and tautomerism, in which a compound exists in two forms simultaneously in equilibrium with each other due to shifting of a proton. The other type of isomerism is stereoisomerism, which arises due to the difference in arrangement or orientation of atoms in space. It is further of two types: geometrical or cis trans isomerism, which arises due to Difference in relative orientation of similar groups due to restricted rotation and optical isomerism, which arises due to the difference in the direction in which plane polarized light is rotated. आखिर में आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस, इस टॉपिक से related बहुत से क्वेश्चंस आपके बुक में मौजूद हैं। आप ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा गुड लक